तो दोस्तों आपको इस तरह का स्पीडोमीटर अपनी साइकिल में लगाना है जैसे मैंने लगाया है। तो इस वीडियो को पूरी देखिए वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि हमने अपनी इंट्रो देखा, वीडियो इंट्रो हम लोग क्या करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करेंगे हमें अमेजोन की तरफ से पार्सल आया है, मैंने मंगाया था, स्पीडोमीटर है ही अपनी साइकिल में इंस्टॉल करेंगे। आज कोई बाइक का काम नहीं होगा, आज अपनी साइकिल पर काम होगा जो कि अंदर रखी है, उसमें हम लोग स्पीडोमीटर लगाएंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे क्या चीज़ें की जाती हैं। चलते दोस्तों अपने वीडियो की तरफ, पहले इसको हम लोग अनबॉक्सिंग कर देते हैं उसके बाद चलते हैं। दोस्तों इसको मैंने पहले से फाड़ लिया था, अब ये देखिए इस ट्रैपर में आता है। दोस्तों इसको हम फाड़ेंगे नहीं, मेरे बाद में काम आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ साइड से इसको पुल करेंगे, ये निकल आएगा। दोस्तों ये इस तरह का स्पीडोमीटर होता है, ये देख लीजिए इस तरह का स्पीडोमीटर होता है। और यहाँ भी देखिए सेल चल रहा है, टाइमिंग ये पहले से चल रही थी। अब दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे पिन लगी है, मैंने अंदर का तो नहीं खोला था, यहाँ पे एक पिन लगी है उसको देखिए, मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के लिए दोस्तों आप कोई भी पिन या अपनी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अपनी उंगली का इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने खोल लिया है, अब इसका रैपर यहाँ से ऊपर का पुल करते हैं। दोस्तों ये हम लोग निकाल लिया, अब देखते हैं इसमें क्या मिलता है। दोस्तों ये पहले तो मीटर हटा देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम लोग को ये जिप्टा मिलती है, मतलब डोरी टाइप की होती है, मेरे इसका क्लियर नाम नहीं मालूम, तभी जिप्टा मैंने सुना है, इसको अपना यूज़ होगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये स्टैंड है जो आपके हैंडल पे यहाँ लगेगा और ये नीचे आपके में लगेगा, नीचे लगेगा। दोस्तों ये सेंसर है, सेंसर नहीं ये मैग्नेट है, अब मैं इसे खोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं मेरे पास अभी पेशेंस नहीं रखा है, मैं इसको खोल दिखाता हूँ। ये इस तरह के आपके तीलियों के बीच में फंसेगा, वो टाइट करके रख देते हैं। और दोस्तों एक मैनुअल मिलता है आपको, ये दोस्तों इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मैंने आज की वीडियो में बताया इसको पढ़ना नहीं है भाई के साथ है। तो दोस्तों आज मेरे को भी इसकी पढ़ने की जरूरत है क्योंकि मैं भी नहीं जानता सही यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों ये देखिए कुछ साइज़ लिखे हैं, ये अपनी साइकिल के साइज़ होते हैं, उसको हम लोग देख के यहाँ रीडिंग लिखी हुई है अपने स्पीडोमीटर में फिट करनी है। मगर अभी नहीं करेंगे, अभी पहले हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद इसकी रीडिंग आप कैसे निकालते हो बताएंगे। चलते दोस्तों फाइनली हम लोग काम हो चुका है सारा अनबॉक्सिंग, आप चलते हैं अपनी साइकिल करना क्या है। हम लोग ये जो सेंसर जो मैग्नेट था, ये वाला मैग्नेट था, अब इसको दोस्तों हम खोल लेंगे। और दोस्तों हम लोग एक जगह एक के लिए साफ कर लेंगे, इसको भी साफ नहीं करता है, डबिंग साफ कर देते हैं, साफ कर लेंगे। दोस्तों साफ करने के बाद ये जो आप देखिएगा बीच में इस तरह का फोकस हो जाएगा, अभी देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये बीच में तीली के बीच में फंसेगा, उस तरफ से हम इस तरफ से कर देते हैं। दोस्तों उस तरफ से नहीं बन रहा था, मैंने इस तरफ से किया। दोस्तों ये देखिए इसमें थोड़ा सांचा टाइप बना होगा, सांचा देखिए सांचा बने, उसी में तीली से बैठा देनी है। देखिए मैं सांचा के ऊपर ऐसे डाल देता हूँ, ये देखिए दोस्तों मैंने सेट डाल दिया, इसको मेरे को कस देना है। इसमें पेंच मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस देना है। देखिए ऐसा करना है कि यहाँ से तस से मस ना हो, ये दोस्तों ये देखिए हो गया। तो दोस्तों अब ये हम लोग का देखिए फिक्स हो चुका है, अब हम लोग को करना क्या है, ये दोस्तों ये स्टैंड मिला था हम लोग को, ये सेंसर था, अब इसको हम लोग को यहाँ लगाना है। लगाने के लिए दोस्तों हम लोग को ये स्लिप हटानी होगी और जो दोस्तों ये जिप्टा मिला था हमको, जिप्टा से यहाँ बांधना पड़ेगा। दोस्तों आइए हमको दिखाते हैं थोड़ा पास से। तो दोस्तों ये देखिए अब हम लोग करना क्या है, हम लोग को इसका ये स्लिप इसको खोलेंगे, उसके बाद दोस्तों देखिए थोड़ा ये लंबा वायर है, अब दोस्तों करना क्या है, जो इसका सेंसर है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ लगाना है ऐसे। जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ साइकिल को अपने, देखिए ऐसे सेंसर के बराबरी में आ जाए। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्लिप हटाएंगे, ये देखिए इसमें स्लिप होती है, इसकी स्लिप हटाएंगे, हमें स्लिप हटा दी। तो उसको ध्यान से चिपकाइएगा कोई गलती ना हो,
हमसे हो जाती है कभी कदार गलती। जैसे दोस्तों मैंने लगा लिया है यहाँ पे, दोस्तों अब करना क्या है हम लोग को, जो जिप्टा मिला था ये देखिए जिप्टा हम लोग को मिला थे, तब इसको हम लोग खटा लेंगे खोलेंगे मीन्स उसके बाद इसमें से एक जिप्टा लेंगे और इसमें से एक जैसे की इधर से यहाँ से जिप्टा एक डालेंगे हम लोग और देखिए हम लोग ऐसे कर लेंगे और इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। जैसे कि आपको जूम करके दिखा देते हैं कि दोस्तों इस तरह से हम लोग जिप्टा टाइट कर लेंगे कस के पूरा जोड़ लगा के, जैसे हिलेना देखिए हम लोग का टाइट हो गया। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग इससे थोड़ी प्लास या नोकल प्लास से सहायता से इसको दबा देंगे जैसे कि पूरा ठीक से हो जाए। स्लिप भी दोस्तों करता है, इससे मेरा भी स्लिप कर रहा था। पूरा कस के पकड़ के इसको अपनी तरफ खींच लीजिए, दोस्तों ये हो गया है पूरा, दस से मस नहीं हो रहा है, दस से दर नहीं हो रहा है। अब दोस्तों इसी तरह दूसरे जिप्टा को हम लोग लगा देंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से पूरा फिक्स हो चुका है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए दोस्तों पूरा फिक्स हो चुका है, इक्वल में रहेगा दोस्तों ये। और दोस्तों की बाकी का जो बचा है तो काट देंगे, अगर अभी नहीं तब पहले काम हो जाए उसके बाद दोस्तों काटेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग करना क्या है, जो ये वायर थी इसको हम लोग को यहाँ से लपेट के ले आएंगे, ट्विस्ट कर देंगे अच्छे से ताकि अच्छा भी लगे। हम लोग इसलिए ट्विस्ट करें जैसे कि थोड़ा गंदा भी ना लगे, तार आएगा कोई खींच देगा ऐसे। दोस्तों करने वाले बहुत कुछ कर देंगे मगर अपने को सही रखना है और अपने सामान की सेफ्टी। दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोस्तों फिक्स कर लेंगे, दिखाते हैं फिर आपको कैसे क्या फिक्स करेंगे हम लोग। उसकी यहाँ से ये जो जिप्टा लगा इसको हटा देंगे और जिप्टा की मदद से फिर से इसको टाइट कर देंगे। करते हैं दोस्तों फिर आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ से चिपका दिया है, अब जिप्टा की मदद से देखिए, अब जिप्टा की मदद से इसको हम लोग बांध देंगे। तो आपको दिखाते हैं बांध के पूरी तरह से। तो बहुत आराम से बांध देंगे क्योंकि जिप्टा बहुत जल्दी टूट जाती है। एक दिक्कत है जिप्टा बहुत कमज़ोर देते हैं ये लोग, थोड़ा ज़्यादा भारी देखिए घूम अभी मतलब का नहीं ठीक से जिप्टा ही दोस्तों उसको चिपकाएगा। कंपनी वाले कंपनी की बात बहुत बेकार लगी दोस्तों मेरे को और आपको भी बहुत बेकार लगी थी क्योंकि इसको बांधने वाली दोस्तों नहीं सही तो कैसे क्या रुकेगा दोस्तों ये। तो ये कस्टमर नहीं हो रहा है देखिए, अगर तो सोचा कुश्ती लड़ेंगे तो फिर कस्टमर क्या दोस्तों टूट ही जाएगा। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग का ये स्टैंड फिक्स हो चुका है, देखिए दस से मस नहीं हो रहा, मैं हिला रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग की स्टैंडिंग ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं नीचे से भी कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों बात आती है मीटर की, दोस्तों अब हम लोग करेंगे कि अपने मीटर के लिए मीटर की रीडिंग भरने के लिए क्या इसमें से रीडिंग देखेंगे। हम लोग का टायर है 26x1.75, ये हम लोग का ये देखिए हम लोग 0 और 2 0 35। दोस्तों हम ये दोनों बढ़ाने के साथ प्रेस करेंगे तो फिर आ गया है
ये सब आ गया। तो उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, जैसे कि सॉरी मैंने ज़्यादा कुछ आगे बढ़ा दिया, उसको दोनों बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये पहला वाला है हम लोग का, क्या है इधर से चलिए 235 है, 535 ठीक है। इस वाला बटन से आगे, इस वाला से आगे पीछे करेंगे, मतलब वो करेंगे काम ज़्यादा बटन नंबर, उसके बाद फिर आगे बढ़ा देंगे 35 नंबर सही है। हम लोग यहाँ पे 21 करना था दोस्तों, हम लोग 21 करेंगे, सॉरी 26 करेंगे सॉरी। देखिए दोस्तों हम लोग हो गया है, अब दोस्तों हम लोग इसके आगे दबा देंगे 26 करने के बाद हम लोग आगे कर देंगे। दोस्तों ये आपको बाद में बताएंगे, और मीटर की पूरी जानकारी आपकी अगली वीडियो में मिलेगी। अभी दोस्तों आप, हम लोग इतना हो गया, आप साइकिल चला सकते हो। मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसमें रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों मैं आपको साइकिल चलाता हूँ, दोस्तों देखिए 6 रीडिंग बता रहा है, 9, 5। देखिए दोस्तों ऐसे रीडिंग बताता है, और यहाँ पे साइकिल चलती है, अभी तो नहीं चल रही है, चलते दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि स्पीडोमीटर की स्पीड बता रहा है, देखिए मैं चल रहा हूँ और ये स्पीडोमीटर की स्पीड 11-13 ऐसे बता रही है, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। तो कैसे लगी वीडियो, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, साथ ही सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जैसे आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। मिलते दोस्तों अगली वीडियो, मिलते हैं आपसे।